अस्सलाम वालेकुम। एक प्यारी प्यारी सुबह के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं बना रही हूँ नाश्ता, सिंपल सा नाश्ता अपने लिए, ब्रेड और जैम, साथ साथ मैं नाश्ता बनाऊंगी अपना और साथ साथ ही करूंगी। और आज मैं बनाऊंगी लंच, और लंच में मैं बनाऊंगी भुना हुआ मटन, मज़ेदार रेसिपी। तो आइए मेरे साथ लंच भी कीजिए और ब्रेकफास्ट भी कीजिए साथ साथ। तो ये है मटन जो हम आज बनाएंगे। तो ये मटन है और इसमें जो ये चीज़ें जाएंगी वो ये हैं। इसमें मैंने दो मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, और ये लहसुन का एक बंच लिया है, और ये अदरक के दो टुकड़े हैं जो इसमें जाएंगे, 7 से 8 सब्ज मिर्चें इसमें जाएंगी, और ये एक बड़ा टमाटर भी जाएगा इसके अंदर। तो ये चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। मैं इसको रखने लगी हूँ अब गलाने के लिए। तो इसमें ये प्याज मैं ऐड कर दूँगी, काट दूँगी इसको। मोटा मोटा सा काट दूँगी मैं इसके अंदर। और जो ये लहसुन के जबे थे वही मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और ये जो है इनको दोनों को मैं बारीक पीस लूंगी, और टमाटर को मैं छील कर काट लूंगी। तो इसमें मैं 1 चम्मच नमक का अभी ऐड कर दूंगी, और 1 गिलास पानी इसमें डालूंगी। 1 गोश्त तकरीबन हमारा 1/2 किलो से 3 पाव है। तो ये देखें पानी इसके अंदर। तो अभी मैं इसको चूल्हे पे चढ़ा दूंगी, प्रेशर दूंगी इसको 20 मिनट के लिए, और ये मैं नाश्ता भी करूंगी अपना साथ साथ, सिंपल सा। तो आग बना लेते हैं, और तो बंद कर देते हैं, और ये प्रेशर मैंने इसको दे दिया है। तो 20 मिनट तक हम इसको प्रेशर देंगे, जब इसकी सीटी बजेगी तो वो 20 मिनट उसके बाद काउंट होंगे। तो इसका प्रेशर खोल दिया है हमने 20 मिनट के बाद। भाप देखें जा रही है, फिर ये दीवार गीली हो गई है। तो अब हम कुकर को खोलते हैं और देखते हैं कि गोश्त कितना गल चुका है। 20 मिनट वैसे इनफ होते हैं, ठीक होते हैं गलाने के लिए गोश्त को, तो मैं तो इतना ही टाइम देती हूँ। और अब हम इसको हिला लेंगे, और ये प्याज और जो लहसुन वगैरह मैंने इसमें डाला था तो वो मिक्स हो जाएंगे इसके अंदर अच्छे तरीके से, और चेक कर लेंगे कि गोश्त भी हमारा गल चुका है या नहीं। तो गोश्त हमारा है गल चुका। ये जो टमाटर बड़ा था काट के रखा हुआ वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ताकि ये भी इस पानी के साथ साथ घुल जाए और हमारा मज़े का सालन जो है तैयार हो जाए।
टमाटर वगैरह गल चुके हैं इसमें, तो अब मैं इसमें एक चम्मच ऑयल डाल रही हूँ जिससे मैं खाना पकाती हूँ। तो ऑयल हमने इसमें डाल दिया है, ये साथ ही भूनते भूनते टमाटर भी अच्छी तरह इसमें यकजान हो जाएंगे। ये सुरख मिर्च एक चम्मच ली है मैंने, धनिया भी एक चम्मच लिया है, और हल्दी 1/4 चम्मच है, और आधा चम्मच मैंने ये ली है कुटी मिर्च, और आधा ये चम्मच मैंने नमक लिया है। तो ये नमक हमने पहले भी डाला था तो इसलिए मैंने अभी कम लिया है। तो ये सारे मसाले मसालों के साथ साथ ये जो सूखे मिर्चे और अदरक कूट के रखे थे वे मिक्स में डाल दें। इसे मैं 5 मिनट तक भूनूंगी और फिर हम अगला इसका प्रोसीजर करेंगे। तो अभी इसमें मैं ये गरम मसाला और ये काली मिर्चें, गरम मसाला जो है वो 1/2 टीस्पून है और काली मिर्चें 1/4 हिस्सा है 1/2 टीस्पून का। तो ये भी मैं इसमें शामिल करता हूँ, अच्छी तरह भून लेंगे। सालन हमारा जो है वो रेडी है, ये देखें सालन की फाइनल लुक, माशाल्लाह कितना खूबसूरत बना है और बहुत अच्छे तरीके से ये गल भी चुका है। तो मज़ेदार मटन की रेसिपी, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।